हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए आ गया, दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है तो ये वैकेंसी आई हुई है फीमेल ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर। दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताऊँगी, कितनी सैलरी की गई है, क्या एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर जो तो पहली पोस्ट आई हुई है, दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 22 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 14 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेती हूँ कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेती हूँ, यहाँ पर दोस्तों जो है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर दोस्तों जो है तो ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इस तरह दोस्तों बात कर लेती हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। दोस्तों यहाँ पर जो है तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमोशन, पावर इंजीनियरिंग वाले ब्रांचेस यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल हैं। इस तरह आप देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है तो 27 ईयर एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको बताई दी कि कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अगर आप इस ब्रांचेस से अगर आप दोस्तों किए हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर दोस्तों मैं बता दूं गेट के साथ बिल्कुल ये जो है तो जोड़ा गया है। सो दोस्तों यहाँ पर जो है तो कैटेगरीज वाइज बात कर लेती हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी आई हुई है एंड कैटेगरी के लिए। दोस्तों यहाँ पर देख लेती हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 22 वैकेंसी आई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 रखी गई है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 रखी गई है एंड ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3 एंड एसटी के लिए 1 रखी गई है। इस तरह दोस्तों बात कर लेती हूँ मैकेनिकल में, मैकेनिकल में दोस्तों यहाँ पर जो है तो टोटल 14 वैकेंसी रखी गई है, अनरिजर्व के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है एंड एसटी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों इसी तरह बात करूँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है एंड एसटी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो है तो आपका ये भी चेक किया जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है तो एसिड अटैक, दोस्तों यहाँ पर जो तो हेल्थ से रिलेटेड भी आपको जो है तो चेकअप किया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे दोस्तों यहाँ पर जो तो अगर सैलरी की बात करूँ, सैलरी बहुत ही अच्छी रखी गई है दोस्तों, 40,000 से लेकर 1,40,000 दोस्तों यहाँ पर जो तो बेसिक पे यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर अदर बेनिफिट्स आपको जो है तो मिल जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि एज में छूट भी आपको दी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो है तो यहाँ पर एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स दोस्तों यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तो एक्स सर्विसमैन के लिए 10 ईयर रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 13 ईयर्स रखी गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो है तो मैं बता दूँ कि 2021 वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो तो गेट के साथ जोड़ा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो है तो अदर कंडीशन दोस्तों यहाँ पर जनरल इम्पोर्टेंस आपको जो है तो दी गई है। दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेती हूँ दोस्तों स्टार्टिंग डेट की, तो 16/4/2021 रखी गई है एंड लास्ट डेट की बात करूँ दोस्तों तो 6/5/2021 तक आप जो है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी दोस्तों की 6 मई तक यहाँ पर जो है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म कैसे फिलअप करना है, दोस्तों आपको जो है तो ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म को फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ पर सब ध्यान जरूर रखना है, फीमेल ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर दोस्तों जो है तो एलिजिबल है, यहाँ पर दोस्तों जो है तो इस बार फीमेल के लिए आया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।